हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई समय हो रहा है 10:32, सुबह 5:30 पर सोए हैं और अभी उठे हैं, मुंह हाथ धोकर हो गए फुर्सत। और जैसे ही फुर्सत हुआ, मिल गई है गर्मा गर्म चाय, वो भी आधा गिलास, है ना। आजकल सुबह सुबह आधा गिलास करती हैं। चाय पीकर मैं तुरंत में बैठ गया था भाई ब्लॉग एडिट करने के लिए। मम्मी जी ने गर्मा गर्म ओट बना के दे दिया, वो पूरी एक प्लेट लबालब। तो भाई एडिटिंग करते समय क्या चाहिए, कुछ खाने पीने को। तो बढ़िया, सुबह का हमारा ब्रेकफास्ट मिल चुका है, आधे से ज़्यादा मेरी एडिटिंग फुर्सत हो चुकी है। तो ये फटाफट निपटाता हूँ और पूरी एडिटिंग करके अपलोड कर देता हूँ व्लॉग को। भाई साहब हो गए हैं तैयार ऑफिस जाने के लिए, और इनको फोन आ चुका है। तो ये तैयार नहीं होते, ये प्रकट हो जाते हैं ना। खट से उठे, नहाए धोए, आधा घंटा में फुर्सत हो गए भाई साहब। तो गेट खोल लो, मम्मी जी भी आ गई हैं छोड़ने के लिए। ब्लॉग एडिट कर और एक बहुत जरूरी काम निपटा कर, और एक हफ्ते के बहुत सारे कपड़े हो गए थे, पूरे 3 बाल्टा कपड़े धोकर निचोड़कर टांग दिए सूखने के लिए। ये सब काम करते करते भाई हो गई दोपहर। अब हम हो गए हैं नहा धोकर फुर्सत। क्या है ना, कपड़े गंदे डले रहते हैं ना, या कोई भी काम रखा रहता है तो उसको देखा नहीं जाता भाई। उसको करके फुर्सत होना मेरे को बड़ा अच्छा लगता है। तो सब काम से फुर्सत हो चुके हैं। लंच टाइम। और भाई साहब भी आ गए हैं, तो दोनों जन एक साथ भाई लंच करेंगे। तो भाई साहब अपनी थाली निकाल के ले गए हैं, और मेरी थाली ये है। बना है भाई दाल चावल, और मैंने डाल दिया इसमें देसी घी, लौकी सब्जी और खीरे का सलाद, उसके ऊपर काली मिर्च। बहुत बढ़िया शानदार गर्मा गर्म लंच हो गई है, बहुत शानदार। शाम समय हो गया है ठीक 5:30, ठीक है। अब हम जा रहे भाई यहाँ से नर्मदा जी के दर्शन करने, क्योंकि आज है गुरुवार और सुनने में आया कि बाढ़ का पानी थोड़ा सा उतर गया है। तो मस्त चलते हैं माई के दर्शन करने के लिए। और बीच में हमको यार 4-5 थोड़े छोटे छोटे काम लगे हुए, 4-5 लोगों से मिलना भी है। तो बीच में अपन मिलते जुलते भी चले जाएंगे, और फिर आखिरी माता जी के दर्शन करके फुर्सत हो गया। ज्यादा लंबा लंबा समय नहीं है, 5-10 मिनट का बस समय देंगे, ठीक है। मिलते हुए अपन सीधे यहाँ से चलते हैं गौरीघाट। तो ये है घर में बैठे बैठे ये बोर हो गए, सही बात है, घूमना फिरना है। सीधे बोलो कि हमें घूमने चलना है, नहीं तो उसके बीच में अपन काम भी निपटा लेंगे ना। देखो क्या, देखो एक मंथ दो काज करो, घूमना फिरना भी कर लो, बीच में जो अपना काम है वो भी निपटा लेंगे। चल रहे थे, हमने 2-4 लोग को फोन लगा दिया, हमने मुलाकात हो जाएगी बढ़िया से। तो यहाँ से अपन निकलते हैं भाई। हम लोग गुजर रहे हैं मदन महल वाली रोड से, और यहाँ देखो अच्छा खासा पानी गिरा है यार, पूरी रोड गीली होकर बह गई है। और अपने एरिया में पानी नहीं गिरा यार, इस तरफ के पूरे एरिया में पानी गिरा है। क्यों भाई साहब, अच्छा है, बहुत अच्छा है, पर धूल नहीं उड़ रही है। हाँ, ये तो धूल बहुत उड़ती है ना, तो हाँ तो पानी गिर गया तो धूल से बचाव हो गया अपना। हाँ, यहाँ तो फंस गया है लंबा जाम। अभी हमें अगड़ महावीर के सामने और गजब की भसड़ मची पड़ी है, आगे तक जाम लगा है भाई पूरा। कैसे निकले भैया, साइड में काम करो, मोड़ो रोड, अपन बदल के चलेंगे, ठीक है ना। हमने भाई तुरंत में गाड़ी मोड़ी, अब हम छोटी लाइन से जा रहे हैं मदन महल से गुप्तेश्वर होते हुए रामपुर निकलेंगे। और से हमें यहाँ से पास पड़ता, पर क्या करें, आमने सामने देवी पंचमहलों का जाम लगा पड़ा है। भीड़ में फंसने से कोई मतलब नहीं है। भाई सब काम निपटा कर 7:10 का हम पहुंच गए गौरी घाट। और पीछे जो दिख रहा है ना, जो आपको यहाँ पे पूरा नीचे तक, ये भाई पूरा उस दिन पानी में डूबा हुआ था, पर आज बिल्कुल जलस्तर नॉर्मल हो चुका है पहले जैसा, मस्त लग रहा है भाई। अपन यहाँ खड़े ना, ये भी पूरा हिस्सा पानी में डूबा हुआ, पानी में डूबा था, ऊपर तक गया हुआ था। पर अपन जब दर्शन किया था वो वहाँ पे किया था, है ना, वहाँ पे थोड़ा नॉर्मल था, पर उसके आगे पूरा भराव था, पर आज बिल्कुल नॉर्मल स्थिति हो चुकी है। अपन चल रहे हैं उमा घाट में नर्मदा माई के दर्शन करने के लिए, बड़ा शानदार है, पहले जैसा माहौल हो गया, पहले जैसा बड़ा नॉर्मल लग रहा, बड़ा अच्छा लग रहा है। सब सामान बिक रहे हैं, होटल वोटल सब खुल गए हैं, बढ़िया आराम से खाते पीते रहिए, नीचे तक गाड़ी ले जाइए, आराम से माई के दर्शन करिए और घूमते फिरते ऊपर आ जाइए, ऊपर आ जाइए। तो अपन चल रहे हैं नीचे भाई उमा घाट में, जहाँ आरती वाला घाट है, वहाँ माई के हम दर्शन करेंगे, आचमन करेंगे। तो चलो चलते सीधे नीचे। हम पहुंचे भाई उमा घाट में, और यहाँ तो भाई अंधेरा छाया हुआ, अंधेरा मचा पड़ा यार। देखो भाई साहब के सामने टॉर्च जला रहा हूँ, ठीक है, इस तरफ देखो पूरा अंधेरा छाया है, और आरती की तैयारी लगभग लगभग पूरी हो चुकी है ना। इस तरफ भी भाई पूरा अंधेरा छाया है, पता नहीं चालू हो जाएगी कितने बजे तक,
अच्छा भाई बोल रहा है ऊपर लाइट चालू कर रहे हैं तो अभी लाइट आ जाएगी, उसके बाद तो भाई असली दृश्य तो लाइट जलने के बाद दिखता है। और माता जी का दर्शन कर लेते हैं। हाँ, और सामने आपको हम दिख रहा है गुरुद्वारा। ठीक है, तो अपन नीचे चलते हैं माई का आशीर्वाद लेने। माता रानी के बहुत शानदार दर्शन हो गए, बड़ा अच्छा, मन में बोलते ना कि शांति सी लग रही है, सब टेंशन खत्म सी लग जाती है। ऐसा तो माता के पास आओ ना तो सब टेंशन खत्म हो जाती है। बैक टू होम, नहा धोकर हो गए फुर्सत और लगी थी बहुत तेज भूख भाई, तो भाई साहब ने बना दिया गर्मा गर्म नूडल्स, ये देखो शानदार। और मम्मी जी ने चाय बना कर रख दी थी, तो भाई पहले नूडल्स खा लेते हैं उसके बाद गर्मा गर्म चाय पी लेंगे। तो भाई अपना नाश्ता और वो चाय और नाश्ता शाम का बढ़िया से हो जाएगा शानदार। तो फटाफट नूडल्स फिनिश करते हैं। समय हो गया भाई गर्मा गर्म डिनर बनाने का, मोर्चा संभाला हम दोनों भाई ने, और आज बनने वाला है बहुत शानदार, बहुत स्वादिष्ट, मसालेदार, बढ़िया से क्या मसाला पुलाव बहुत बढ़िया, इसको कह सकते हैं वेज बिरयानी। हाँ नहीं, बिरयानी सबसे छोड़ो यार, पुलाव सबसे ज्यादा, पुलाव में वजनदारी लगती है। भाई साहब बोल रहे आज पुलाव हम बनाएंगे, ठीक है बढ़िया से। तो भाई साहब पुलाव बनाए जा रहे हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है, शानदार तड़का लगाते हैं, खुशबू फैलाते हैं पूरे कमरे में। भाई साहब ने डाला कढ़ैया में सुदगी, अब इसमें डालने जा रहे हैं तेज पत्ता। डाल दो भैया, देखना टेक्चर कैसा है, गरम है, अरे बहुत गरम है, तेज पत्ता बढ़िया है, शानदार। पीछे हो जाता हूँ क्योंकि पानी है ना इसमें, बहुत बढ़िया। थोड़ा को पास में आके इसकी आवाज सुनो, ये आवाज कहती है कि हम दमदारी से बनने जा रहे हैं, बहुत शानदार पुलाव बनने जा रहे हैं। पहले फ्राई करेंगे पत्तों को। हाँ, पत्तों को अच्छे से फ्राई करेंगे, और ये रखे हैं भाई दमदार मसाले, गरम मसाले, जिससे हमारा देश जाना जाता है, यो गरम मसाले के नाम से। इसमें है दोनों प्रकार की, छोटी इलायची, बड़ी इलायची, मसाला इलायची और जायफ्री, जायफल, लौंग, इलायची सब है, लौंग, इलायची, काली मिर्च और खसखस सब है। बहुत बढ़िया भाई, ये है दमदार मसाले, सामने खड़ा है दमदार कुक आपका, और वो अदरक भी तो दिखाओ गर्माहट के लिए। ये हमने अपना कॉम्बिनेशन निकाला भैया, बाकी लोग पुलाव में अदरक नहीं खाते, पर हम अदरक खाते हैं पुलाव में, वो भी ऐसे टुकड़े। एक बार ट्राई करके देख लो, मजा आ जाएगा शानदार। और ये गए मसाले कढ़ैया के अंदर, बहुत बढ़िया, और इलायची धो दिए है, 5 मिनट थोड़ी भीग गई है तो क्या फूल गई है ना, बहुत शानदार लग रहा है। अब ये अदरक भी इसी में जाएगा क्या, ये लो अदरक भी गया। चलो भाई, देसी घी की खुशबू है ना पूरे कमरे में फैल रही है, मैंने जो पंखा बंद करके रखा है, मैं खुशबू भी कहीं नहीं जाने दूंगा पूरी खुशबू खुद ही लगेगी क्या, है ना, बहुत शानदार आ रही है। और ये है भाई चावल हमारा धुला हुआ है ना, तो ये पक जाए उसके बाद चावल डालेंगे बढ़िया से। गैस बंद हो गई थी भाई साहब ने फिर से जला दिए, भाई बंद कर देता हूं, बीच बीच में ज्यादा गर्म ना। और जो अदरक है ना घी में भिन रहा है ना, तो बहुत शानदार लग रहा है। अब मसाले भुने, कितने मिनट भूनोगे मसालों को, मात्र 1 मिनट, ज्यादा नहीं भूनना, ज्यादा नहीं भूनो, जलाना नहीं है अपन को, भूनना है, क्योंकि अगर जल जाएगा तो स्वाद नहीं आता। सही बात, हल्का सा गुलाबी करना चाहिए मसाले को, क्योंकि अभी भाप में पकेगा ना भाई। हाँ बहुत बढ़िया, तो भाई साहब बना रहे हैं मसालेदार पुलाव शानदार, हमारा मसाला पुलाव बन जाता है, उसके बाद मुंह दिखाई करवाते हैं। हाँ अरे बहुत बढ़िया दिख रहा है, 1 नंबर शानदार। तो भाई ये भुन जाता है, तैयार होता है, सबसे पहले मुंह दिखाई करवाते हैं, ठीक है 1 नंबर। अब वो पल आ चुका है भाई जब पुलाव का मुंह दिखाई होने वाली है, ये सीटी हमारी उड़ाई जा रही है। अरे भैया इसको ऐसे खींचा, आई 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 आई, बहुत ही गर्म थी भाई, इसको बोलते एक्साइटमेंट है ना। ये देखो भाई, एक एक जो इलायची है फूल फूल के किसमिस जैसी हो गई है, चावल बहुत अच्छी है, सिद्दीकी की खुशबू आ रही है, रावा रावा चावल खुला हुआ है भाई, गर्म है, ऐसे मुंह दिखाई दो, देखो कितनी शानदार है ना ये मसाले सब दबे, देखो ये तो। हाँ अब ये चलाएंगे ना भाई सब पूरा कढ़ाई, इसमें छनौटे से चला देंगे बढ़िया कुकर में, शानदार होने वाला भैया, अब इंतजार नहीं होता, अब जल्दी जल्दी निकालो, खुशबू बेचैन कर दी है भाई। ये थालियां देखो यहाँ सब सजी हुई हैं, भाई साहब फटाफट मसाला और पुलाव निकालना शुरू करते हैं। गर्मा गर्म डिनर भाई तैयार है, ये देखो शानदार पुलाव, पहले पुलाव, ये देखो पुलाव है ना, क्या मस्त दिख रहा है।
और गाइस इसके साथ किसी चीज की जरूरत नहीं है, ना दाल ना कड़ी ना सब्जी ना कुछ नहीं, सिर्फ यही काफी है अपनी दमदारी के लिए। समय हो रहा है 1:40, हो गई है बहुत रात, आ रही है भाई गजब की नींद, मैं जा रहा हूँ सोने के लिए। ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग तो अच्छा लगा हो, तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते कल एक नए ब्लॉग में, थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।